जंगल रे निया एक बेस चिंतार विषय पलटि थाए जहाँ नहीं उड़ीसावासी समेत नीलगिरी अंचल कूलढ़िया अभयारण्य पादेश रोकवा लोक मैंने बेस चिंता प्रकट करता तेब यार भितर कोलकार हावड़ा अंचल एक जुवक आलेश्वर समेत समग्र ओडा नि किभली दूरेबे और जंगल सुरक्षा करेंगे जंगल जंतु सुरक्षा करेंगे एने सचेतनता बार्ता दौरान सैकल जोगे से हावड़ ओडा अभिमुखे बर्तमान जात्रा कर आलोचना करवा सहित कितने दिन हुए आपका ये सफर और क्या क्या मैसेज दे रहे हो लोगों को? हमारा एक महीना हो गया है सफ़र करता हुआ, एक महीना पाँच छः दिन हुआ है और मेरा मैसेज है ये, हम साइकिल से यात्रा करते हैं कि जंगल में जितना बुनो पशु है, वैसे भी जितना बुनो पशु है, पशु पक्षी है, उसको हमारे को सुरक्षित रखना चाहिए। के लिए वही तो हमारा एक तो जीव है, ठीक है, वही दोस्त है, ठीक है। और जैसे जंगल में ये लोग आग लगाता है, प्लास्टिक कचरा वगैरह करता है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे बहुत ग्लोबल वार्मिंग बिजनो उष्णता होता है ना, ज़्यादा बढ़ता है। गंगोत्री हिमालय में ग्लेशियर गंगोत्री लगभग 50 साल में 18 किलोमीटर घट गया है। उड़ीसा में आप कहाँ कहाँ घूम चुके हो और उड़ीसा इरादा क्यों किया है कि ये जो सचेतनता वार्ता आपका जो है मैसेज उड़ीसा में फैलाने के लिए बा उड़ीसा लोगों को समझाने के लिए क्यों आपका इरादा हुआ? हाँ, हम सिर्फ उड़ीसा का नहीं, हम झारखंड भी घूमा। हम झारखंड का लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट घूमा, उड़ीसा का 7-8 डिस्ट्रिक्ट घूमा। फिर उधर भी हमको ऐसे सहायता मिला, इधर तो बहुत ज़्यादा मिला उड़ीसा में। हमको उससे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा लोग हमको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जानने का इच्छा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। भविष्य में हम ऐसा यात्रा तो करता रहेगा, जितना देर उम्र राय दिया है भगवान ने उतना देर करता रहेगा। पढ़ाई कुछ हो रहा है या पढ़ाई छोड़? पढ़ाई तो अभी फिलहाल जो फंड किया है ये यात्रा करने के लिए, हम थोड़ा मेरा मम्मी पापा का आशीर्वाद के बिना नहीं है, वो थोड़ा अभी काम वगैरह किया, फिर थोड़ा पैसा कौड़ी जमा किया, ऐसा निकाल पड़ा। अभी तो मेरा 22 साल उम्र है तो अभी तो शादी वादी तो वो सब बाद में का चीज़ है, अभी तो ऐसे ही करने का। पहले क्या ऐसा देखे जो जंगल के किनारे या फिर जंगल के अंदर क्या देखे जो आपको तकलीफ दिया और लोगों को समझाने के लिए निकले? हमको तो हम ऐसे बचपन में मेरा इतना परिवार बड़ा सारा नहीं है, पर घूमने का बहुत शौक है। अब मेरा 22 उम्र है, हम लगभग 10-11 भारत का राज्य घूम लिया है, तो हमने देखा सब राज्यों में एक ही अवस्था है, मतलब ठीक नहीं है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी, तो इसको हमको ही घटाना पड़ेगा, ये कोई और नहीं कर सकता है। जितना हो सके कम कीजिए, काय के लिए यही भविष्य में फ्यूचर जनरेशन को आगे बढ़ना, यही तो हमारा जीवन का अंत नहीं है। साइकिल पे जा रहे हैं, लोगों को कैसे समझा रहे हैं, मतलब मार्केट एरिया में खड़े होकर समझ रहे हो? समझा रहे हो जो अगर मैं कुछ चाय पानी पीना रुका तब पूछ रहे हैं आके, तो हम ऐसा बोल रहे हैं, कोई कोई तो रोक के पूछ रहा है। हमको तो बहुत खुशी हो रहा है कि जानने का इच्छा है, जैसा आपने किया समझ रहे लोगों, हमको बहुत अच्छा लगा। भावरे बहुत कम बयसरू बड़ लक्ष्य नहीं बाहर जगह जगह छिड़ा हो बुझाऊँ लोक मूँ कौन बुझेले आउ पार एमती उत्साह आग्रह लोक बुझेपी जंगल विषय केमती कौन लगे? बहुत बढ़िया लगला सी भी छुआ को जाऊँ आम बाटर ताको डाक पचारू बा छुआ भी कहला बोलाम पश्चिम बंगल आसचु आ जंगल बाबद आम सब लोक बुझाऊ जाओ बुझे बुझे लोक छाड़ू आम भी किसी ताकू शिखुचु भल लगुच भल तुम एमती कर चल निश्चित भाव में अंचल लोक भी कथा को ग्रहण कर सहित जंगल जो निया लगे वन्य जीवजंतु किभली से निर असुविधार सम्मुखीन होती तो प्रत वर्ष यही कूलढ़िया पादेश देखु थे कमी कौन जुवक बुझाते जन जुवक हिसाब से तुम कमी कौन कथ ग्रहण कर निश्चित भाव में एक्चुअली बास्तव देखा गले हाँ बहुत कष्ट कहीं आसी सुदूर हावड़ू आसी झारखंड उड़ीसा जी सब जंगल एरिया सब आस बुल लोक मैं जहाँ भी तरफ से गोटे हूँ दुटा हूँ पाँचटा हूँ प्रति छक छक अंचल बुझाते जंगल समस्त अधिकार वनजंतु अच्छे निया लगातु ना जे आम समस्ते भल रे भल रहा सहित जंगल जीवजंतु को भल रखा जहाँ बार्ता मोटो जहाँ निजा बहुत मानते चर्चार विषय बहुत आनंद विषय भाव में जंगल निया केमती लगे के हईराण हमें अंचल जंगल निकटवर्ती अंचल बासीदा केमी कौन निया लगे? बहुत गरम सम्मुखीन बहुत बहुत हूँ जीवजंतु मैंने बाहर को पलि आसती मैंने आम बाहर बुली पार नहीं भी रात 8-7 बेलू बाघ पलि आसती हाथी फाती
ଯିବ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ସେ ବୁଝାଇଲେ, ସେ କଥା ବୁଝାଇଲେ, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ପରେ ତ ଆମେ ତ ହେଇପାରିବାନି, ସାଇକେଲ ରନିଂ କରିକି ଏତେବେଳେ ହାଉଡ଼ାଠୁ ଆସିକି ଏଠି କୋଲାର ପାଞ୍ଚଶୁଣିଆ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଞ୍ଚଶୁଣିଆରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମର ମନ ବଳ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ନିହାତି। ଯୁବକଙ୍କ କଥାକୁ ବି ଯୁବକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗେ, କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ନିଆଁ ଲାଗେ? ଆଜ୍ଞା, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହଇରାଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଯେ ପିଲାଟି ଆସିଛି ଆମର, ସେ ଯାହା ହାଉଡ଼ାରୁ ସେ ଯାହା କହୁଛି ଏବଂ ଭଲ କହୁଛି ଏବଂ ଭଲ ବୁଝାଉଛି, ତା କଥାରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଭଲ ପିଲା ସେ ବୁଝାଉଛି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଟା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗରମ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ନିଆଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲାଗିଯାଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ତ କେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସର୍ଭେଟା ଠିକ୍, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ବର୍ତ୍ତିବ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୁବକଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ।